Kodi of schizophrenia, a functional psychosis in which individual loses the connectivity with the reality. In that position, वो स्थिति हम कह सकते हैं स्किजोफ्रेनिया की होती है. It is a descriptive term for a group of psychotic disorders characterized by gross distortions of reality, withdrawal from the social interactions, and the disorganization and fragmentation of perception, thought, and emotion. So this is the comprehensive definition given by the Coleman. And the what are the areas where individual faces the distortion is the thinking. वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें व्यक्ति को विकृति का आभास होता है, विकृति का अनुभव होता है. वो उसकी चिंतन प्रक्रिया, उसका प्रत्यक्षण का उसका क्षेत्र, उसकी भाषा की भाषा का प्रोडक्शन, और बोलने की जो उसकी स्थिति होती है वो, सेंस ऑफ सेल्फ, स्वयं का उसको आभास होता है वो, और व्यवहार. दीज आर दी फोर मेजर एरियाज वेर एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डिस्टॉर्शन. यानी ये चार मुख्य मुख्य वो क्षेत्र है जहां पर किसी व्यक्ति को विकृति का अनुभव होता है. व्हाट इज द डिफाइनिंग क्राइटेरिया ऑफ द स्किजोफ्रेनिया एज डिस्कस बाय द DSM-5. यानी कि DSM-5 के अनुसार क्या डिफाइनिंग क्राइटेरिया है स्किजोफ्रेनिया का, उसके फीचर्स कह लो, सेलेंट फीचर्स कह लो, क्योंकि यही वो चीजें हैं, यही उसकी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर उसको ये कहा जा सकता है कि ये इंडिविजुअल स्किजोफ्रेनिया से ग्रसित है. जिस प्रकार से हर चीज की अपनी एक विशेषता होती है, अब इसी प्रकार से स्किजोफ्रेनिया का, मनोविकलता का भी एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया है. उसी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ सेलेंट फीचर्स हैं. जो पांच क्षेत्र होते हैं, देयर आर द फाइव डोमेन्स. पहला है जी डिलूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, साथ साथ में स्पीच भी. क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपकी स्पीच है वो आपके थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग से पूर्ण रूप से बंधी हुई है. जैसे हम कह सकते हैं आपकी स्पीच का संबंध आपकी थिंकिंग से है, क्योंकि थिंकिंग और स्पीच का चोली दामन का साथ है. बिना थिंकिंग के स्पीच का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, लेकिन बिना स्पीच के थिंकिंग हो सकती है. मीन्स बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले हम लोग, हमारा मस्तिष्क बहुत तेजी से जो चीज हम बोलना चाहते हैं उसके बारे में सोचता है, उसको आर्टिकुलेट करता है, फिर जाकर हमारा स्पीच का प्रोडक्शन होता है. यू कैनॉट प्रोड्यूस योर स्पीच विदाउट द थिंकिंग, वेयर इज देयर कैन बी थिंकिंग विदाउट द स्पीच. बिना आवाज के आप सोच सकते हो, लेकिन बिना सोचे आप बोल नहीं सकते. याद रखना, जब व्यक्ति इमोशनल एक्सपीरियंस में होता है, जब वो सामाजिक प्रभाव में होता है, कुछ का कुछ मुंह से निकल जाता है, बट दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव अ थिंकिंग कंसेप्ट, व्हेन यू हैव अ थिंकिंग एबिलिटी. उसके बिना भी संभव नहीं हो पाता है. तो अगर व्यक्ति के सोच में ही, चिंतन में ही डिस्टॉर्शन हो सकता है, उसकी विकृति उसको हो सकती है, ये बहुत स्वाभाविक सी है कि उसकी स्पीच में भी, उसके बोलने की प्रक्रिया में भी विकृति होगी ही होगी. स्पीच में अगर डिस्टॉर्शन होता है, उसके व्यवहार में भी डिस्टॉर्शन हो सकता है, उसके संवेगों में भी डिस्टॉर्शन हो सकता है. व्यक्ति के अगर सोचने की प्रक्रिया में डिस्टॉर्शन है, विकृति है, तो उसमें बोलने में उसको विकृति होगी, उसके व्यवहार में उसकी विकृति होगी, उसके संवेगों के अनुभव करने में उसको विकृति होगी. क्योंकि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, इंडिपेंडेंट भी है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है. वेरी फनी थिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है ये. Grossly disorganized or abnormal motor behavior. Disorganized, अव्यवस्थित, और motor का मतलब होता है जो motor activity, जो movement activity करते हैं, उस व्यवहार में भी distortion व्यक्ति को हो सकता है. Including catatonia and the negative symptoms. तो इनमें पांच domain है, इनमें से abnormalities कोई व्यक्ति दिखाता है तो समझ लेना चाहिए कि that individual is suffering from a kind of psychotic disorders. That is known as schizophrenia. यानी कि ये पांच में से एक में या एक से अधिक विकृति व्यक्ति दिखाता है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि उसको एक प्रकार से साइकोटिक विकार है, और वो भी कौन सा, मनोविकलता का. Now the comes to the diagnostic criteria. तो defining criteria तो था, हमने उस criteria को देखकर उस व्यक्ति को अंदाजा तो लगा लिया कि इसको schizophrenia है, लेकिन हमने अंदाजा लगाया, हमारा आइडिया है, हमारा परसेप्शन है उस व्यक्ति के संबंध में.
अंदाजा लगाना, किसी बात को समझना अलग चीज है। किसी व्यक्ति को एक डायग्नोस करना कि ये व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है, वो कुछ बात कुछ और। स्किजोफ्रेनिया या किसी भी मनोवैज्ञानिक विकार में भी ऐसा ही होता है। हम उसके डिफाइनिंग क्राइटेरिया से, उसकी विशेषताओं से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर ये विकार हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से हम तभी कहेंगे जब तक वो व्यक्ति डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल ना कर दे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक स्टडी की थी, कई देशों ने मिलकर एक रिसर्च की थी। उन्होंने पाया कि 12 तरह के ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और वो 12 तरह के लक्षण या चिन्ह वही व्यक्ति दिखाता है जो स्किजोफ्रेनिया से ग्रसित होता है। अब बात ये आती है कि क्या इन 12 में से अगर एक किसी व्यक्ति को एक सिम्टम भी है तो क्या हम उसको स्किजोफ्रेनिया से ग्रसित मान सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति स्किजोफ्रेनिया से ग्रसित है उसमें ये 12 साइन, ये सिग्नल, ये चिन्ह, ये सिम्टम जरूर दिखाई पड़ते हैं। पहली बात, रेस्ट्रिक्टेड अफेक्ट, कहने का मतलब है संवेग तो उसमें उत्पन्न होते हैं लेकिन उसके चेहरे पर उन संवेगों का भाव नहीं आ पाता है, ब्लैंक रहता है व्यक्ति, एक खाली स्लेट की तरह रहता है उसका चेहरा, खुशी उसके चेहरे पर उपलब्ध नहीं हो पाती है, कष्ट के माहौल में भी वो कष्ट, वो दुख, वो दर्द उसके चेहरे, उसके शरीर के माध्यम से दिखाई नहीं पड़ता है, एक्सप्रेशनलेस चेहरा होता है उसका, किसी प्रकार की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती उसके चेहरे पर, इसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्टेड इफेक्ट। दूसरा है पुअर इनसाइट, जो अंतर्दृष्टि है वो निम्न प्रकार की हो जाती है। मतलब अंतर्दृष्टि क्या है, अंतर्दृष्टि आपके जो कॉग्निटिव सिस्टम है उनका संपूर्णता में इस्तेमाल करते हुए किसी निर्णय पर पहुंचना, करना है कि नहीं करना है, ये जो फैसले हैं ये अंतर्दृष्टि से नहीं लिए जाते, ये आपके अनुभव से लिए जाते हैं। अंतर्दृष्टि से वो फैसले लिए जाते हैं कि जिन फैसलों का आपके जीवन पर बहुत गंभीर असर हो सकता है। अंतर्दृष्टि में प्रश्न आता है कई बार कि नकल करूं या ना करूं। व्यक्ति नकल करता है, कोई विद्यार्थी जब पर्ची से देखता है, कोई साइड वाले दाएं बाएं देखता है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी अंतर्दृष्टि में प्रश्न नहीं आता है, प्रश्न आता है, वो आवाज जरूर गूंजती है। फर्क इस बात का है कि कुछ लोग उसको सुन लेते हैं और कुछ लोग उसको अनसुना करते हैं और कुछ लोग वो सुनाई नहीं देती है। तीनों बातों में फर्क है। तो वो कहां से आवाज आती है आपकी, क्या आपके अंदर, आपके चित्त में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में कोई आंख लगी हुई है क्या? नहीं है कोई आंख। तो जो वो चित्त की आंख है, जो मन की आंख है, वो कॉन्शियसनेस की जो आंख है, वही वो बात कहती है, वही वो आपको आगाह करती है जब कोई आप ऐसा काम करते हैं जो आपके लिए, आपके परिवार, आपके राष्ट्र, आपके समाज के लिए जो हानिकारक होता है। तो उस समय एक आवाज जरूर आती है, किसी को हम अंतर्दृष्टि या इनसाइट, तो वो स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट में पुअर हो जाती है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जब भी कोई गलत काम वो करता है तो उसको उस बात का एहसास भी नहीं होता कि जो काम कर रहा है वो गलत है, वो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो अंतर्दृष्टि है वो क्षीण हो जाती है और कई स्थितियों में तो वो खत्म भी हो जाती है। हालांकि ये माना गया है कि अंतर्दृष्टि कभी खत्म नहीं होती। जो व्यक्ति कोमा में होते हैं, जो अचेतन की अवस्था में लंबे समय तक रहते हैं, उनके अंदर भी अंतर्दृष्टि होती है लेकिन वो चेतना से दूर होती है। तो ये थी पूर इनसाइट, थॉट अलाउड। बहुत बार हमें भी ऐसा आभास होता है जो हमारी बातचीत है उसको कोई और सुन रहा है। यहां तक तो ठीक है क्योंकि बातचीत तो मुंह से निकलती है, आवाज मुंह से निकलती है और आवाज हवा के माध्यम से ट्रेवल करती है और हर जगह हवा उपलब्ध है तो जरूर वो किसी तक पहुंच सकती है। लेकिन जब ये स्थिति आने लग जाए व्यक्ति की, मेरी थॉट्स, मेरे विचार, मेरी चिंतन प्रक्रिया में जो विचारों का एक जो सैलाब सा जो उमड़ रहा है उसको भी लोग सुन रहे हैं, उसका कहीं प्रसारण हो रहा है, वो जब स्थिति आने लगती है तो कह सकते हैं कि व्यक्ति स्किजोफ्रेनिया से ग्रसित है। ये कैसे संभव है? विज्ञान तो नहीं मानता इसको, लेकिन
भारत के पारंपरिक साहित्य में अगर आप डूब कर उसको पढ़ना चाहेंगे तो उसमें इन बातों का जिक्र आता है कहीं ना कहीं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंस योगनंदा, कई बार ने इस तरह की बातों को आपने किताब में अपनी पुस्तक में कई बार जिक्र किया है। वो ये नहीं कहता कि मेरी थिंकिंग, मेरी सोचने की प्रक्रिया, मेरे आइडियाज, मेरे बिलीफ सिस्टम को कोई सुन रहा है, नहीं कहते वो। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम अपने आइडियाज से, अपने बिलीफ सिस्टम से दूर दूर तक उसका प्रभाव डाल सकते हैं अपने चिंतन के माध्यम से, ये बात वो कहते हैं। लेकिन ये बात दूसरी है, स्किज़ोफ्रेनिया में व्यक्ति को ये लगने लगता है कि उसकी चिंतन प्रक्रिया है वो एक टीवी की तरह, एक आज के जमाने में टीवी तो रिडंडेंसी हो गई, टीवी का तो यूज नहीं रहा है, एक फेसबुक की तरह कह लो आप या इंस्टाग्राम की तरह, सब लोग उसको देख सकते हैं, सब मेरे विचारधारा को सुन सकते हैं, सब उसको पढ़ सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है, उसको ऐसा अनुभव भी होने लगता है। तो फोर्थ सिम्टम वॉकिंग। हाँ जी यस बताइए सर। यहाँ पे मेरा सर एक क्वेश्चन है कि सर बाय चांस ही कई बार ये होता है कि कुछ अपने साथ कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाती है कि मतलब जो एक तरह से हमें डिप्रेसिव कर देती है कि कई बार कुछ ज्यादा दुखदारी घटना हो जाए, सर उस चीज के बारे में सोचना या उस चीज के बारे में जैसे इंसान सोचता है उसके साथ वैसी वैसी हैपनिंग होती है, तो सर ये क्या कहीं ना कहीं सिज़ोफ्रेनिया के कॉजेज हैं या मतलब कुछ वैसे ही एज अ डिप्रेशन या कुछ वो बैड जो उसके साथ हुआ है उस चीज का वो इफेक्ट है? बड़ा इम्पोर्टेंट सा प्रश्न है आपका ये, लेकिन इसमें कुछ चीजें और भी गहराई से जानने की हमें जरूरत है। किसी व्यक्ति के साथ जब कोई घटना घटती है और खास करके दुर्घटना जब होती है तो उस व्यक्ति को उस दुर्घटना का इतना असर होता है कि वो कई बार अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। रिसर्च ये बताती है, अनुसंधान ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन साथी अगर नहीं रहता उसके साथ तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस उस व्यक्ति को होता है। ऐसा होता क्यों है? प्रश्न तो ये है, ये तो हमने बता दिया, ये बात सब जान गए कि भी किसी जीवन साथी से तो होगा जिसने आपके जीवन के कष्ट दुख आनंद सब साथ साथ सहे हैं और जब समय आया दोनों को एक साथ बैठकर बात करने का, पहले तो लगे रहे भाग दौड़ में, उस समय वो नहीं रहता है तो उस व्यक्ति के दुख का ठिकाना नहीं होता है। इस बात को कहना आसान है, अनुभव करना भी आसान है, लेकिन स्वयं के साथ जब बीतती है उस समय उस बात को स्वीकार करना बहुत ही कठिन काम है। अब क्या होता है कि हमारा मन जो चेतन अवस्था है जिसके साथ हमारा एक संबंध बन जाता है, जीवन साथी कह लो आपके अपने रिश्तेदार कह सकते हो, पुत्र पुत्री आप कह सकते हो, आप जैसे इवन टीचर्स के कुछ स्टूडेंट्स भी आप कह सकते हो, इवन आपकी कुछ चीजें होती है, वस्तुएं होती हैं उनके साथ भी, या कोई जानवर आप लगा लो, कि जब इनके साथ आपका एक अत्यंत सूक्ष्म रूप से जुड़ाव हो जाता है वो आपके मन का एक प्रकार से एक हिस्सा बन जाते हैं। तो जब व्यक्ति का उस चीज से बिखराव होता है, ये जबरदस्ती अलग कर दी जाती है, तो उसको लगने लगता है अंदर से कि जो मेरे नजदीक था, जो मेरे ही एक ही शरीर का एक हिस्सा था, वो मुझसे दूर कर दिया गया है। तो कष्ट होना स्वाभाविक है, ये मोटी मोटी बात मैंने आपको बताई है। अब इसका परिणाम क्या होता है, याद रखिए जिस समय ये दुर्घटना घटती है तुरंत उस समय व्यक्ति को इतना कष्ट इतना दुख नहीं होता, जब उस घटना के धीरे धीरे जब समय बीतता है तो उस समय उस व्यक्ति को कष्ट और दुख, डिप्रेशन और अलग तरह तरह के उसको अनुभव होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? क्योंकि उसके दूर होने के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणाम है, वो झेलने लगता है। यस सर। ओके, अब बात यह आती है कि जब वो झेलने लगता है उसके दूर होने के परिणाम क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? आपको लगने लगेगा कि आपका फ्रेंड, आपका साथी, आपका भाई आपके पास रोज यहां बैठता था मेरे साथ, रोज इस समय वो नीचे बैठकर गेम खेल रहा होता था, वो उस समय टीवी देख रहा होगा या मोबाइल देख रहा होता था, जिस सुबह देखो हंगामा करता था, आज वो नहीं है। उसके बाद यहां तक तो फिर भी ठीक है,
जब मन मन में ये प्रश्न आता है कि वो कभी नहीं आएगा, तो जो गहराई में आपका जो कष्ट है, जो सदमा है, वो स्ट्रेस है, वो सारे मस्तिष्क के जितने भी कॉग्निटिव रिसोर्सेज है सारे उस पर, उस बात पर फोकस कर देते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति एक असह्य कष्ट का अनुभव करता है। अब जब उस कष्ट को अनुभव करने लगता है तो उसे बचता कैसे है फिर वो? शुरू शुरू में बचने का तो कोई चारा नहीं है। जब बचने का उसके पास कोई चारा नहीं होता तो फिर उसको किसी तरह से वो उसको एक्सप्रेस भी तो करेगा, क्योंकि जो बात आपके अंतर मन में आती है वो बाहर भी निकल कर आती है, अभिव्यक्ति भी उसकी होती है, एक्सप्रेशन भी उसकी होती है। अगर उसकी जो फ्रेनिया से पीड़ित नहीं है तो, अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो उसको कष्ट होता है, दुख होता है, तो उसको वो अपने अलग अलग रिस्पॉन्सेज के आधार पर, अलग अलग प्रतिक्रियाओं के आधार पर वो अभिव्यक्त करता है। कुछ लोग मैनिक हो जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेसिव हो जाते हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, वो उनकी यादों में खोए रहना चाहते हैं, उनकी उन यादों में खोए रह जाते हैं जो वो पलों में जो उनके साथ उन्होंने बिताए थे। लेकिन साथ साथ में उन पलों के साथ साथ एक कांटा हमेशा उनके साथ, वो जब उनके साथ सोचेंगे कि जो ये मेरे साथ था, ये कितने साथ हम दोनों बैठ के बातें किया करते थे, जैसे ही ये पल, ये विचार उसके मन में कोंदता है, उसी समय एक कांटा भी उस विचार में चुभ जाता है और वो कि कभी नहीं आएगी। जिस कारण से क्या होगा, वो विचार उसका दमन हो जाता है और वो जो कभी भी नहीं आएगा वो फिर उसका एक अंकुरित फिर से फूट जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति फिर वैसे ही व्यवहार करने लगता है, यानी कि उसको अभिव्यक्त, उसको दुख, उस कष्ट को करना पड़ता है और वो डिप्रेशन की स्टेट है। अब बात आती है कि इसका सोल्यूशन क्या है। मेन पॉइंट इज व्हाट द क्वेश्चन, ये मैंने आपको समझाया एक मोटे तौर पर, मैंने आपको बात की है कि किस तरह व्यक्ति कष्ट को, दुख को, परेशानी को कैसे अभिव्यक्त करता है। द पॉइंट इज हाउ टू डील विद द सिचुएशन। आप पहली बात, हम उसको समझा बुझाकर एडवाइस देकर ऐसा काम नहीं कर सकते, ये मान के चल लीजिए। भारतीय पारंपरिक साहित्य में, भारतीय संस्कृति में आपको देखा होगा कि किसी व्यक्ति, किसी घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो 10-11 दिन तक उनके घर में लोग जमीन पर बैठते हैं, किसी सुख साधन का भोग नहीं करते हैं, कोई बहुत अच्छा खाना वो नहीं बनाते हैं, बहुत अच्छे बेड पर वो नहीं सोते, किसी प्रकार का कपड़े वो नहीं, और यहां तक एक साल तक कोई फेस्टिवल भी वो नहीं मनाते। वो जो 11 दिन होते हैं, उन 11 दिनों के अंदर व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेसिव स्टेट में हो सकता है, तो उसको साथ उसका निभाने के लिए, हालांकि कोई किसी का साथ नहीं निभाता है, बहुत से जो उसके आस पड़ोस के लोग, उसके रिश्तेदार उसके पास आकर बैठते हैं और उसको एक इनडायरेक्ट रूप से सांत्वना देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को वह सांत्वना सलाह एडवाइस की जरूरत नहीं होती है, वो अकेलेपन में आकर डिप्रेसिव स्टेट में ना आए, इसलिए वो पूरे लोगों का हुजूम, आपके रिश्तेदारों का हुजूम उस घर में जमा हुआ रहता है। उसको ये आवाज नहीं होने दिया जाता, कोशिश की जाती है उसको अकेलेपन का अनुभव ना हो, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि कुछ दिन बाद तो आपको सामान्य जीवन में आना ही आना है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई है जिसके साथ ऐसी घटना घटी है, तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि उसको किसी प्रकार की सलाह एडवाइस ना दी जाए, वो उसको बहुत चुभती है, उतनी ही चुभती है जितना उस व्यक्ति का उसके ना होना उसको चुभता है। तो फिर क्या किया जाए, यथार्थ से उसका सामना करें, आज जो सच्चाई है उसके साथ सामना करा जाए, उसका इंटरेस्ट देखा जाए कि उस घटना घटने से पहले उस व्यक्ति का किन एक्टिविटीज में, किन प्रक्रियाओं में उसका इंटरेस्ट था, उसी इंटरेस्ट को, उस रुचि, अब उसकी रुचि खत्म हो जाएगी, स्वाभाविक है। अगर किसी व्यक्ति की बहुत अच्छा भोजन करने की रुचि थी, उसका कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होगी तो उसकी रुचि ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, उसका ध्यान नहीं रहे, हमें उसी रुचि को जगाना होगा। कौन जगा सकता है वो? अब वो वही जगा सकता है उसके आस पास, लेकिन वो भी इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट नहीं कह सकते उसको, डायरेक्टली उसको बहुत बढ़िया एक थाल में बढ़िया भोजन नहीं परोस सकते, उसको नहीं खाएगा, उसको गुस्सा हो रहा है कि मेरा तो वो चला गया, ये मुझे बढ़िया खाना बना के दे रही, तो कोई दुखी नहीं। वहां पर जरूरत पड़ती है एम्पैथेटिक बिहेवियर की, तदनुभूति जैसे व्यवहार की आपको जरूरत पड़ती है, उसके कष्ट को आप अनुभव करें और फिर आप उनके साथ क्या करें, तालमेल बिठाए, उसकी जो प्रीवियस, जो पहले उसके इंटरेस्ट थे, रुचियां थी, उनको दोबारा से जगाने की धीरे धीरे इनडायरेक्ट रूप से कोशिश करें। हमको लोग कहते हैं उसका मन बहलाए,
हम नहीं बहला सकते मन। जब तक व्यक्ति खुद मन उसका बहलने को तैयार ना हो तो फिर तरीका क्या है उसके मन बहलाने का? उसके मन बहलाने का तरीका ये है कि आपको उसके इंटरेस्ट का जो काम है वो जो जिस प्रकार का म्यूजिक सुनता था, जिस प्रकार का भोजन करता था, उस प्रकार का भोजन डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस होता है, धीरे धीरे वो प्रक्रिया आपको शुरू करनी होगी। उसके साथ साथ आपको उसका जो दुख है, उसका कष्ट है, उसको सहने की जब वो स्थिति में होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करना होगा। साधारण बीमारी को डील करना बहुत आसान है, एलोपैथिक मेडिसिन दी दवाई होगा ठीक, लेकिन मनोवैज्ञानिक बीमारी को, मनोवैज्ञानिक विकार को डील करना बहुत बहुत कठिन और असाध्य कार्य है, लेकिन वो भी डील किया जाता है। ओके, दैट वाज माय आंसर। एनी क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ जी बताए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताए सर। अगर किसी को सिर से फिरने हो तो अगर मतलब वो ज्यादा दिन बढ़ता जाए और वो अपने आप को मतलब हानि पहुंचा सकता है सर? मैंने बताया आपको जो स्किजोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं व्हेन दे आर इन द पैरानोइड स्टेट, पैरानोइड प्रकार का जो स्किजोफ्रेनिया वो बहुत बार ऐसा होता है, दे पीपल कमिट सुसाइड टू, मर्डर भी कर सकते हो, सुसाइड भी कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि मैंने स्किजोफ्रेनिया के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट को यह पता नहीं होता है कि वो उसके स्किजोफ्रेनिया से ग्रसित है। क्यों नहीं पता होता है? उसका जो कॉग्निटिव सिस्टम है उसी में डिस्टॉर्शन हो जाता है, उसको इस बात की समझ ही नहीं होती। वो जो चेतना है, वो समझने वाली जो उसकी चेतना है, वो एक शेर हो जाती है, तो उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि मुझे एक प्रकार की बीमारी है। आपको बता देता हूं, हमें अंदाजा नहीं होता कि हमारे अंदर क्या बीमारी चल रही है। बहुत से लोगों को कहा जाता है कि यार उसको कैंसर हो गया, अरे कल तो ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे वो जो कैंसर का जो वो फोड़ा है जो शरीर के अंदर है, वो एक दिन में थोड़ी इतना बड़ा होगा, एडवांस स्टेज में आ गया, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया और उस व्यक्ति को उस बात का अनुभव नहीं होता, क्योंकि जिस एरिया में कैंसर हो रहा होता है ना वो कोई सिम्टम दिखाता, ना वो हमारी चेतना होती है, ना उसको हम इंद्रियों के माध्यम से उसको अनुभव कर सकते हैं, हमें नहीं पता चलता। इसी प्रकार से स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता, ना उस बात के बारे में अवेयर होता है कि उसको कुछ स्किजोफ्रेनिया है। जब ऐसी बात उसको नहीं होती तो कुछ भी कर सकता है, उसके व्यवहार में विकृति हो जाती है, और खुद की जिंदगी ले लेना, दूसरे की जान ले लेना, ये व्यवहार में विकृति है, डिस्टोर्टेड बिहेवियर। यस, स्किजोफ्रेनिया पेशेंट कैन कमिट सुसाइड एंड कैन बी डेंजरस फॉर दिस सेल्फ एज वेल एज सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वेकिंग अर्ली। अब इस बात को आप इस बात से मत जोड़ देना कि गांव में तो लोग जल्दी उठ जाते हैं, वेकिंग अर्ली का मतलब है सोकर जल्दी उठ जाना। एक से तीन घंटे जो व्यक्ति रेगुलरली जिस समय से उठता है उससे एक से तीन घंटे पहले या एक से तीन घंटे बाद है। आप रेगुलर उठते हो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 6 बजे, 5 बजे, अगर उस व्यक्ति के व्यवहार में इस प्रकार का प्रदर्शन दिखाई दे कि उसकी जो सोने की प्रक्रिया है वो या तो उसके सामान्य प्रक्रिया से 1 से 3 घंटे कम हो गई है या 1 से 3 घंटे बढ़ गई है, ये भी एक इंडिकेटर है। लेकिन आप ये मत मान लेना कि अगर आप 1 घंटा लेट उठ रहे हो, ज्यादा सो रहे हो, तो आपको स्किजोफ्रेनिया हो गया। ये मूर्खतापूर्ण बात होगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि कोई भी मनोवैज्ञानिक विकार तभी विकार कहा जा सकता है जब आपके वो डे टू डे एक्टिविटीज में, प्रतिदिन के जीवन में उलझन पैदा करने शुरू कर दे, रुकावटें डालना शुरू कर दे, तभी उसको विकार कहा जा सकता है। इट इज ऑल्सो इंडिकेटर, वन ऑफ द सिम्टम्स एंड साइन ऑफ द स्किजोफ्रेनिया, अनयूजुअल स्लीपिंग हो गई। देन कम्स द पुअर एफर्ट। अब ये पॉइंट कहां से आया? ये पॉइंट तब आता है, डायग्नोसिस करते हैं कि किसी इंटरव्यू के दौरान, यहां पर इंटरव्यू जॉब इंटरव्यू की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पर क्लिनिकल इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, और क्लिनिकल इंटरव्यू तब होता है जब व्यक्ति स्वयं चलकर मनोवैज्ञानिक के पास जाता है और कोई दूसरा या उसको लेके जाता है वहां पर और उसको बताता है कि इसको इस प्रकार की समस्या है। वो अंदाजा लगाता है, वो केवल सिम्टम्स बता सकता है, वो ये नहीं बता सकता कि इसको कौन सी मनोवैज्ञानिक समस्या है। आप डॉक्टर के पास व्यक्ति को ये ले जा सकते हो कि इसको बुखार है, खांसी भी आई है, जुकाम भी आई है, उल्टी भी इसको आई है, लेकिन आप ये नहीं बता पाएंगे इसको बीमारी क्या है,
बीमारी डॉक्टर ही बताएगा। यही बात मनोविज्ञान में भी सत्य है। आप किसी व्यक्ति को ले जा करके मनोविज्ञानी के पास खड़ा कर सकते हो, बैठा सकते हो कि ये व्यक्ति है, उसका ऐसे ऐसे सिम्टम्स है। आप नहीं कह सकते कि क्योंकि ये व्यक्ति उस विकार से ग्रसित है, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप ट्रेंड नहीं हो उस बात की, आपने उसके बारे में स्टडी नहीं किया, आपका अनुभव नहीं किया है। द पॉइंट इज, अब जब व्यक्ति किसी को उसको लेके जाता है वहां पर मनोवैज्ञानिक के पास, तो वो डायग्नोसिस का, मैंने आपको केस हिस्ट्री बताई, मैंने आपको इंटरव्यू के मेथड्स बताए, अब उसमें उसका एक इनटेक इंटरव्यू होता है, इनिशियल इंटरव्यू होता है। यहां पर साक्षात्कार का मतलब ये कि सीधे साधा उससे उसके सिम्टम, उसके बारे में सूचना ग्रहण करना, ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड इकट्ठा करना, खासकर बीमारी के बारे में। जब व्यक्ति उस सामने वाले का इंटरव्यू ले रहा होता है, यानी उससे बातचीत जो कर रहा होता है, क्या उस समय उस व्यक्ति के पास एक बहुत अच्छी रेपर्ट का मतलब है, बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध बना पाया वो? क्या वो जो संबंध इतने अच्छे बन पाए कि जो सामने बैठने वाला व्यक्ति है उसने सारी बातें व्यक्ति को बता दी? अगर व्यक्ति रेपर्ट बना पाया तो WHO ये मानता है कि वो उसके अंदर स्किजोफ्रेनिया के चांसेस कम है, क्योंकि जो व्यक्ति स्किजोफ्रेनिया से ग्रसित होगा उसके साथ रैपर्ट बनाना ही मुश्किल होता है। डिप्रेस्ड फेसेस कि स्किजोफ्रेनिया की जब शुरुआत होती है डिप्रेशन और एंजाइटी से होती है, पहले उसके अंदर कुछ डिप्रेशन के कुछ एंजाइटी के सिम्टम्स को दिखाई देते हैं। अब मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि जिन व्यक्तियों को डिप्रेशन होता है उन सबको स्किजोफ्रेनिया हो जाएगा, या जिनको एंजाइटी होती है उन सभी को स्किजोफ्रेनिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि जिन व्यक्तियों के अंदर स्किजोफ्रेनिया हुआ है शुरुआत में उनको कुछ डिप्रेशन के कुछ एंजाइटी के सिम्टम्स दिखाई दिए थे। ये बड़ी कठिन बात है। अगर व्यक्ति डिप्रेशन के सिम्टम दिखा रहा है शुरू शुरू में, तो हम उसको किस बीमारी से ग्रसित कहें? क्या वो डिप्रेशन से ग्रसित है, स्किजोफ्रेनिया से है, मूड डिसऑर्डर से है, बाइपोलर डिसऑर्डर से है, यूनिपोलर डिसऑर्डर से है, किस चीज से है वो? घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो किस प्रकार से ये जाने कि ये व्यक्ति डिप्रेशन की स्टेट में है या ये इनिशियल साइन है स्किजोफ्रेनिया का। डिप्रेशन को जानने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 सप्ताह तक व्यक्ति अगर सीवियर डिप्रेसिव स्टेट में रहता है तो हम उसको कह सकते हैं कि डिप्रेशन से ग्रसित है। अब जो व्यक्ति स्किजोफ्रेनिया से ग्रसित होता है उसके जो फेस होता है, उसका चेहरे पर जो भाव आते हैं, वो वैसे ही भाव आते हैं एक डिप्रेस्ड व्यक्ति के चेहरे पर जो भाव होते हैं। चेहरे पर अभिव्यक्ति कैसी आएगी? जैसे आपके अंदर की बात होगी, आप सोच रहे होंगे, जैसे विचार प्रक्रिया। आप ये बात याद रखनी यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जब हमें गुस्सा आता है अंदर ही अंदर हम गुस्से में लाल हो जाते हैं और उसकी अभिव्यक्ति हमारे चेहरे पर, हमारे हाथों पर, हमारी मसल्स पर संपूर्ण रूप से दिखाई देती है। आप छुपा नहीं सकते हो गुस्से को, तो इसी प्रकार से डिप्रेशन को भी नहीं छुपाया जा सकता है। चेहरे पर उसकी अभिव्यक्ति साफ दिखाई देगी, चेहरा लटका हुआ मिलेगा, उसको किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। तो नेक्स्ट, इलेशन, इलेटेड, ये उसी प्रकार से संबंधित है जैसे मैनिया। मैनिया और इलेशन दोनों में एक आधारभूत अंतर है। एक्सेसिव इलेशन इज दी मैनिया, मतलब बहुत ज्यादा इलेटेड मूड में होना भी एक मैनिया का सिम्टम है। लेकिन यहां पर जो इलेशन है वो बहुत ज्यादा मैनिक व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति जब खुश होता है तो उसका खुश होने का तरीका दूसरा है। तो स्किजोफ्रेनिक व्यक्ति होता है जब वो इलेटेड मूड में होता है, जब उसका मूड आनंदित स्थिति में उसका होता है। आनंदित हम नहीं कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि आनंदित एक पॉजिटिव सेंस में है। यहाँ पर इलेशन जो शब्द यहाँ पर लिया गया है वो एक नेगेटिव कोनोटेशन लेके चल रहा है शब्द। बहुत खुशी के माहौल में उसका मूड होता है, बहुत ज्यादा होता है यूजुअल से। ये भी एक स्किजोफ्रेनिया डायग्नोस्टिक का क्राइटेरिया दिया है। वाइड स्प्रेड डिल्यूजन्स, ये तो डिफाइनिंग क्राइटेरिया मैं बता चुका हूं कि जो डिल्यूजन्स होते हैं वो केवल एक ही एरिया तक, एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं होते, उनका क्षेत्र, उनका एरिया बहुत वाइड होता है। कैसे किसी डिल्यूजन का क्षेत्र वाइड हो सकता है? डिल्यूजन का मतलब यह कि व्यक्ति का कुछ बिलीफ सिस्टम, उसके कुछ ऐसी मान्यताएं उसके मस्तिष्क में, उसके चित्त में उतर जाती हैं
कि उन मान्यताओं के बारे में अगर आप उसको सॉलिड प्रूफ लेके दिखा दो तो भी उन मान्यताओं को तोड़ने के लिए व्यक्ति जब तैयार नहीं होता है तो हम कह सकते हैं उसको डिल्यूजन है, व्यामोह है, उसको एक तरह से विभ्रम है। अब वो विभ्रम किस क्षेत्र तक सीमित है? क्या केवल एक पढ़ाई के क्षेत्र तक है, भोजन के क्षेत्र तक है, कपड़े पहनने के क्षेत्र तक है, या किस क्षेत्र तक सीमित है? तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि अगर वो डिल्यूजन जितना वाइड स्प्रेड होगा, जितने ज्यादा डोमेन्स में उसका डिल्यूजन उसको अनुभव होता होगा, उस व्यक्ति को उतने ही ज्यादा स्किजोफ्रेनिया होने की संभावना होगी। इनकोहेरेंट स्पीच, अगर थिंकिंग चिंतन प्रक्रिया में डिस्टोर्शन होता है, उसके जो स्पीच प्रोडक्शन है उसमें भी स्वाभाविक रूप से डिस्टोर्शन होगा ही। इनकोहेरेंट का मतलब ये होता है यहां पर कि विचारों की जो प्रक्रिया मस्तिष्क में जन्म लेती है, जब वो आपके जीवा के माध्यम से जब वो आवाज में परिवर्तित होती है तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी तारतम्य या तालमेल नहीं होता है। कोई बात कभी निकल रही है, कोई बात कभी तेज है, कभी सुनाई नहीं देती, कभी कुछ निकल रहा है मुंह से, इनकोहेरेंस में कोई भी एक रिदम नहीं होता है। अगर ऐसे आने लगता है तो स्किजोफ्रेनिया के कुछ ना कुछ लक्षण उसके अंदर दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन। ये कौन सी बात हुई कि जब उस व्यक्ति किसी व्यक्ति का जब इंटरव्यू लिया जाता है, उससे उससे सूचना ली जाती है, तो उस समय व्यक्ति अगर ऐसी सूचनाएं प्रदान करता है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट है वो कहेगा कि जो दिल्ली में बैठने वाले जो नेता है, जो रेल मंत्री है या प्राइम मिनिस्टर है, वो मुझे मारने की साजिश रच रही है। वो कहेगा जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था ना, जब कभी मैं कॉलेज में पढ़ता था, वो टीचर आज मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं, उन्हीं के कारण ऐसी स्थिति हुई। वो इस टाइप की बात करेगा, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचना आपको देगा जिस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी सूचना व्यक्ति ने इंटरव्यू के दौरान दी है तो हमें ये मान लेना चाहिए और मान लेना पड़ेगा ही कि व्यक्ति स्किजोफ्रेनिया से ग्रसित हो सकता है। अगला पॉइंट, बिजारे डिलूजन्स, मतलब एक प्रकार से बिजारे का एक्चुअल मीनिंग होता है अजीब, अजीब से उसको डिलूजन्स होते हैं। मतलब अब बात जब आती है यहां पर, वाजिब उठ सकता है आपकी तरफ से प्रश्न कि सब जब डिलूजन ही हो गए तो वाजिब कैसे और अवाजिब कैसे, अजीब कैसे डिलूजन्स, प्रश्न आपका आ सकता है इसमें। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि अजीब से डिलूजन्स होते हैं। अरे डिलूजन तो इटसेल्फ ही अजीब होते हैं। यस, हमें सामान्य व्यक्तियों को भी कई बार विभ्रम हो जाता है, डिलूजन्स हो जाते हैं। कई बार हम भी किसी विचारधारा पर, अपने मान्यता पर हम अड़ जाते हैं, बावजूद इसके कि हमें प्रूफ दिखाया जाता है कि देखो ये ऐसा हो रहा है, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा जैसा मैं कह रहा हूं। वो एक इंडिकेटर है कि आपके अंदर डिल्यूजन है, लेकिन इतना नहीं कॉम्प्रिहेंसिबल डिल्यूजन नहीं है कि वो आपके डे टू डे लाइफ में, आपके जीवन में, आपके प्रोफेशनल रिलेशंस में, सामाजिक संबंधों में इंटरफेयर करना शुरू कर दे। अगर ऐसा हो तो क्या हो, स्किजोफ्रेनिया हो और क्या हो। सो दैट वाज द पॉइंट कि व्यक्ति का जो डिल्यूजन्स है क्या वो समझने लायक है। मैं ये मान के चलूं कि जो ऑनलाइन टीचिंग है ये ऑफलाइन से बेकार है, बिल्कुल बेकार की चीज है ऑनलाइन टीचिंग, ये मैं मान के चलूं, ये मैंने मान्यता बना ली अपनी, उसके बावजूद आप सब मिलकर मुझे कितने प्रूफ दे, सर देखो ऑनलाइन टीचिंग से ये बेनिफिट है कि एक टीचर एक बार में हजारों बच्चों को पढ़ा सकता है, सर ये देखो ऑनलाइन टीचिंग में हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने समय के अनुसार हम पढ़ सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें और भी इसके साथ सीख सकते हैं, आप मुझे हजार प्रूफ दिखा लो, और मैं फिर भी मान्यता के लिए तैयार नहीं। मैं कहूंगी नहीं, जो ऑफलाइन टीचिंग है उससे मजा तो कुछ और है ही नहीं। तो ये क्या, इट्स काइंड ऑफ डिल्यूजन, ये तो विभ्रम है। आप मुझे सारे प्रूफ दिखा रहे हो फिर मैं अपनी मान्यता से हटने को तैयार नहीं हूं। इसके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है, सेम ऑफलाइन की बात है। अगर इस टाइप के डिल्यूजन है, ऐसे विभ्रम है जिनको समझा जा सकता है,
तो व्यक्ति स्किजोफ्रेनिया से ग्रसित नहीं है। लेकिन अगर उसको डिलूजन्स भी, ऐसे अजीब से डिलूजन्स है जिनको समझना इतना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है कि वो क्या बात कर रहा है और किस प्रकार की उसकी स्पीच है, कैसे उसके डिलूजन्स है, तो अंदाजा लगा लेना चाहिए कि स्किजोफ्रेनिया से ग्रसित है। निहिलिस्टिक डिलूजन्स, निहिलिस्टिक शब्द का मतलब क्या है? नेस्तनाबूत शब्द आपने सुना होगा, आमूल मिटा देना। आमूल, आमूल मतलब जड़ के साथ। सपोज आपने कोई पेड़ काट दिया, ऊपर से आपने काट दिया लेकिन जड़ अभी बाकी है, आमूल मिटा देना, नेस्तनाबूत कर देना, निहिलिस्टिक उसको बोलेंगे हम, कि उसको जड़ से ही उठाकर फेंक देना, हटा देना वहां से, और उसके निशान तक मिटा देना, वो होता है नेस्तनाबूत। अब अगर व्यक्ति को जो डिलीजन्स होते हैं वो निहिलिस्टिक हो, कि जिस व्यक्ति को स्किजोफ्रेनिया होता है तो उसको एक विभ्रम हो जाता है कि उसके शरीर से एक किडनी गायब हो गई, दोनों फेफड़े उसके शरीर में है ही नहीं, कल कोई आया और मेरा हार्ट निकाल ले गया, आधा मस्तिष्क इस तरफ का तो मस्तिष्क मेरे पास है ही नहीं। ये होते हैं निरिस्टिक डिलूजन्स, कि किसी बॉडी, कोई बॉडी पार्ट उसका मिसिंग है। मिसिंग मतलब आमूल, जड़ से ही वो है ही नहीं। सो दीज वर द काइंड ऑफ एक्चुअल साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्किजोफ्रेनिया। कल के लिए सर मुझे वो चाहिए कि क्लिनिकल में सर हम कैसे कैरियर बना सकते हैं। हाँ, क्लिनिकल में, साइकोलॉजी में, आज के जमाने में क्लिनिकल तो इतना बडिंग फील्ड है, इतना ग्रोइंग फील्ड है, जहां पर आज सबसे ज्यादा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। एक सिंपल सा उदाहरण आप ले सकते हैं, पिछले 2-3 दिन हिसार में नेट बंद रहा, मुझे नहीं पता सिरसा में बंद था कि नहीं था, इतना कनेक्टिविटी नहीं रही। कमाल की बात यह है कि हर बच्चा, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि यार उन दिनों हम बड़े आराम से सोए। इसका मतलब क्या है कि वो जब नेट चलता है तो आराम से नहीं सो पाते हैं, और जो व्यक्ति आराम से नहीं सो पाता है, नींद का पूर्ण रूप से आनंद नहीं ले पाता है, सडनली वो उसने अपने कदम बढ़ा लिए उस ओर, उस रास्ते की ओर जो वो रास्ता जाता है मनोवैज्ञानिक विकार या साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बीमारियों की ओर जाता है रास्ता, वो कदम उसने बढ़ा ली। आप जान रहे हैं ये बात, आप मनोविज्ञान के छात्र हैं, मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो आपको इस बात का अंदाजा है कि आज दुनिया का जो राह है, वो डायरेक्शन है, किस प्रकार से ये मैं दिखा रही है। इनके कारण सो नहीं पा रहा है, अगर व्यक्ति सो नहीं पा रहा है तो सडनली मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, अगर है भी तो दिखाने की कोशिश कर रहा है, और आने वाले समय में वो अस्वस्थता, अनहेल्दीनेस बाहर आने वाली है, तो उस समय जरूरत पड़ेगी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, मनोज्ञान की, उनकी जरूरत पड़ने वाली भविष्य में, बहुत करियर ऑप्शन है इसमें। हाँ, तो पीजी के बाद आपको एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और उसके बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजी के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे पीजीआईएम रोहतक है, चंडीगढ़ है, इन सब में एक अलग अलग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा उनकी जरूरत है, वहां पर उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट, अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। यस सर।